हाँ जी नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बंसल आज आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। खासकर जो हमारे टेस्ट बैचेस के स्टूडेंट हैं, जो ओल्ड टेस्ट बैच या टेस्ट फाइव के जो अपने स्टूडेंट हैं, उन लोगों से आज मेरा ये बातचीत करने का मन हुआ। जैसा कि हम लोग 17 मार्च से हम लोगों ने एकेडमी के अंदर छुट्टियां की थी और 17 मार्च को हम लोग लास्ट टाइम मिले थे। उस समय शायद आप लोगों को भी घर पे जाने की और इतनी छुट्टियों को एंजॉय करने का काफी मन था, लेकिन ये छुट्टियां करते करते फिर 15 अप्रैल तक बढ़ी और उसके बाद ये 30 अप्रैल तक जा चुकी है बातचीत। और इतने दिनों के अंदर हम लोग वाकई बिल्कुल परेशान हो चुके हैं फ्री बैठ बैठ के, क्योंकि एक समय था जब हमारा रूटीन हुआ करता था कि हम दिन में 6 साढ़े 6 7 घंटे तो एकेडमी के अंदर क्लास लगाया करते थे और उसके बाद कम से कम 4 5 घंटे घर पे जाके पढ़ा करते थे। यानी हम वो स्टूडेंट हैं जो 12 घंटे तक पढ़ा करते थे दिन में, 24 घंटे में से 12 घंटे की हमारी स्टडी हुआ करती थी। और आज वही जो लगातार स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, लगातार बच्चे संपर्क कर रहे हैं, और सबसे बढ़िया बात यही लगी कि जो टेस्ट बैचेस के बच्चे हैं वो मेरी क्लास को, वो एकेडमी को, एकेडमी के माहौल को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन ये जो दौर है वो बड़ा परेशानी का दौर चल रहा है। खासकर एक कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट्स के मन में बहुत से सवाल हैं, उन सवालों के कुछ जवाब देने के लिए और उनमें आपकी कुछ मदद करने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने ये वीडियो लाया हूं। और इस वीडियो को कोशिश करना कि आप खासकर ओल्ड टेस्ट बैच के बच्चे पूरा कंप्लीट देखें, टेस्ट फाइव के स्टूडेंट जिसको कंप्लीट देखें, शायद आपको कुछ मदद मिल सके। कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं आप लोगों की निगाह जो है, आपका जो ध्यान है वो आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले बात आती है कि क्या हमारे पास इस लॉकडाउन के दौर में, घर में जब हम लोग बिल्कुल बंद है, हमने आज हमारे लिए सामने एक बहुत बड़ी चुनौती यही है कि भी हमने इस कोरोना वायरस जिसके सामने बड़े बड़े देशों ने हार मान ली है, उस दौर के अंदर क्या हम लोग हिम्मत हार के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, देश को हमने सपोर्ट करना है। 1900 जब भी देश में कभी भी कोई जंग लड़ी गई है तो वहां पर देश के पूरे सभी नागरिकों ने पूरा सहयोग किया और तभी उस जंग के अंदर हम जीत पाए हैं। तो ये भी आज एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जा रही है और इसको बहुत जगह तो तीसरा विश्व युद्ध के नाम से भी इसको संबोधित किया जा रहा है। तो सही मायने में जो सवालात नजर आ रहे हैं वो ये नजर आ रहे हैं कि यहां पर बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन आज भी देश की स्थिति बहुत अच्छी है। संकट के इस दौर में सभी नागरिकों ने, सभी स्टूडेंट्स ने, हर व्यक्ति ने जो है वो साथ देना है और घर पे ही बने रहना है। अगर हम घर पे बने हुए हैं तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? क्या हम लोगों ने पिछले साल भर के अंदर जो एक कड़ी मेहनत की है, एक तपस्या की है और स्टडी का, और हम लोगों ने अपनी क्लास का एक जो लेवल लेके गए हैं, क्या हम उसको खो देंगे? जैसा कि 2019 के अंदर हमें से बहुत से स्टूडेंट थे ओल्ड टेस्ट बैच वाले जो नौकरी के दावेदार थे और उनकी ज्वाइनिंग होनी थी, उनका पेपर क्लियर होना था, लेकिन कोई 0.25 से रह गया, कोई 0.5 से रह गया और कोई एक नंबर से रह गया, और वो बात जो है वो 2020 पे पड़ गई। और 2020 हमारे लिए शुरुआती दौर में बहुत ही अच्छा रहा कि काफी अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन अब जो है वो एक बहुत बुरा दौर शुरू हो चुका है। तो ऐसे दौर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें करनी है और मेरे हिसाब से आपको क्या कुछ करना चाहिए, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा सजेस्ट कर रहा हूं। नंबर एक, शुरुआत वही होती है जैसा कि आपको याद है, मैं अपनी क्लास में भी समय समय पर बात आप लोगों से करता होता हूं कि आपने कैसे अपने टारगेट सेट करने हैं, कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना है, कैसे चीजों को आप लोगों ने फेस करना है। 24 घंटे के एक दिन के अंदर आप लोग अपना शेड्यूल सेट करो। सबसे बड़ी समस्या ये कि एक तो हम लोग घर में है, घर में होने की वजह से और घर में सभी जो परिवार के सदस्य हैं वो साथ हैं, तो ऐसे में घर में एक स्टडी का माहौल नहीं बन पा रहा है। लगातार टीवी देखा जाता है, लगातार मोबाइल यूज होता है, या घर के जो सदस्य आपस में कोई लूडो खेल रहे हैं, कोई कैरम खेल रहे हैं, या कोई बाहर की थोड़ी बहुत एक्टिविटीज चल रही हैं, बातचीत का भी दौर लंबा चलता है, तो ऐसे में हम लोग प्रॉपर समय और अपना उस हिसाब से सेटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कमजोर नहीं पड़ना है, हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करवाना है और हमने ये जरूर याद रखना है कि हम एक अनएम्प्लॉयड कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट हैं और हमारी इस तैयारी के अंदर एक साल का कीमती समय हमारा दांव पर लगा हुआ है। अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो हमारा वो पिछले एक साल की मेहनत वेस्ट हो जाएगी, बात 2020 के बाद 2021 पे चली जाएगी। तो हमने हमेशा इस बात को याद रखना है। 24 घंटे के टाइम पीरियड के अंदर हमने क्या क्या चीजें मैनेज करनी है। नंबर एक, दिन में दोपहर में सोने का टाइम अपना हटा दो। जो जो लोग दोपहर में सो रहे हैं वो अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं। आप दिन में 7.5-8 घंटे से ज्यादा सोने का अपना रूटीन हटाओ, 7 घंटे ही सोया करो। नंबर दो, मोबाइल और टीवी से पीछा छुड़ाओ। मोबाइल और टीवी से पीछा छूटेगा तभी समय की आपकी बचत हो पाएगी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे बात आती है, घर के कामों में जरूर सहयोग करें, हाथ बटाएं,
ये एक्सक्यूज नहीं दें कि हमारे ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है तो हम घर के काम नहीं कर सकते हैं। देखो घर पे जो है सफाई कर्मचारी है या जो भी कोई मान लो काम वाली जो महिलाएं हैं वो नहीं आ पा रही हैं किन्हीं कारणों से, तो ऐसे में घर पे घर के कामों में जरूर सहयोग दें और हम लोग भी दे रहे हैं वैसे। तो मतलब इस 24 घंटे का आपने कैसे इस्तेमाल करना है इसको आप लोग जरूर टाइम को बांट के चलेंगे। अब बात आती है स्टूडेंट्स के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर मतलब हम लोग स्टडी के टच में नहीं रह पा रहे हैं, हम एकेडमी में 6.5-7 घंटे पढ़ते थे, यहां हम घर पे भी 4 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उस दिक्कत का समाधान कैसे किया जाए। सब्जेक्ट वाइज इसके ऊपर बात करते हैं। जीके को लेकर थोड़ा सा टेंशन फ्री रहा करो, जीके को लेकर बहुत ज्यादा परेशान मत हुआ करो, क्योंकि आपको पता है नंदन सर के कंटेंट बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो अपने आप इसको लेकर बहुत मेहनत कर रही हैं। अभी मेरी डेली अपने स्टाफ के साथ बात होती है और उन्होंने यही कहा कि सर मैं लगातार कंटेंट तैयार कर रहा हूं, जब भी कोई एग्जाम आता है वो 20 डेज के अंदर आपको जीके बढ़िया प्रिपेयर करवा देते हैं। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो, जो क्विज आते हैं जो अलग अलग वेबसाइट्स पे, वेबसाइट्स आपको पता है आप पुराने स्टूडेंट हो आपको सारा कुछ पता है, नंबर एक बैंक का सट्टा, नंबर दो एक्सपीरियंस जोन, नंबर तीन क्लाउड अफेयर्स, और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं आपको शायद ज्यादा पता है। आप इन वेबसाइट्स पे जो भी क्विज आते हैं उन क्विज की डिटेल पढ़ लिया करो, क्विज पढ़ लिया करो। आप कम से कम 1 घंटा डेली जीके पर देना शुरू करो, ये 1 घंटा अलग निकाल दो आपकी, ये आपने देने देना है, ठीक है। अब बात आती है इन तीन सब्जेक्ट, आप प्री के स्टूडेंट हो तो भी ये तीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेन के स्टूडेंट हो आपने आगे मेन का एग्जाम देना है, रिजर्व बैंक का मेन एग्जाम आ जाए या और कोई मेंस का एग्जाम आ जाए, आपने मेन का जो भी एग्जाम देना है, ये तीनों सब्जेक्ट आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो इसकी हम बात करते हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाए। मैथ्स के अंदर आप एक रूटीन बनाओ, देखो स्पीड कैसे बनती है, स्पीड कैलकुलेशन से बनती है, बार बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बनती है, ठीक है ना। तो आपने जो आपको एक मैथ्स ट्रिक्स का ऐप मैंने दिया था बताया था मैंने नहीं दिया था बताया था आपको मैथ्स का जो ऐप मैंने आपको बताया था, उस ऐप के ऊपर आप 20-30 मिनट लगाने का अपना एक पक्का विचार बनाओ। आपका मन कर रहा है नहीं कर रहा है, आप बोर हो रहे हो, आपका कैलकुलेशन करने का बिल्कुल मन नहीं है, कुछ भी है, लेकिन आपने 20 मिनट पूरा मजबूती के साथ उस पर टिके रहने और 20 मिनट आपने कैलकुलेशन को देने हैं। नंबर दो, इन दिनों में जैसे ही लॉकडाउन हुआ है मैंने देखा है कि बहुत सी पीडीएफ मार्केट के अंदर आ चुकी है, मेरे को भी बच्चों ने खूब पीडीएफ सेंड की है, आपको अगर नहीं मिल रही हो तो आप मेरे से ले सकते हो, नहीं तो आपस में अगर आपके पास हो तो वो मेरे को सेंड कर देना ताकि मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। मार्केट में बहुत सी पीडीएफ आ चुकी हैं जिसके अंदर प्री के एग्जाम है, मेंस के तो ज्यादा एग्जाम अवेलेबल नहीं है, प्री के एग्जाम काफी अवेलेबल है, तो आप प्री के पेपर यहां से कर सकते हो। आपको कंप्लीट पेपर नहीं मिल रहा तो आप एक्सक्यूज मत ढूंढो कि सर मैंने तो सारे पेपर कर लिए और मेरे को तो कंप्लीट पेपर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, आप पेपर कर चुके हो, आप 10-10 क्वेश्चन के जो क्विज जाते हैं वो करने शुरू कर दो, टाइम देखकर 10 क्वेश्चन है 10 मिनट बस, चाहे वो स्टेटमेंट है चाहे वो बोर्ड मार्क्स है चाहे वो डीआई है। अब डीआई की तो मार्केट में बहुत पीडीएफ अवेलेबल है, आप कोई भी पीडीएफ शुरू कर लो, 60 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, उतने मिनट का टाइम रखो और उसको सॉल्व कर लो। पढ़ना आप ही को पड़ेगा, टारगेट आपको ही सेट करने पड़ेंगे, कोई भी स्थिति बने कैसी भी स्थिति बने हर चीज का जो सीधा प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ेगा। आपकी छुट्टियां नहीं चल रही हैं कि अगर आपके मन में विचार आ रहा हो छुट्टियां चल रही हैं, कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर आईबीपीएस बोर्ड का पेपर पता नहीं कब ले पाएगा, पेपर होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली पेपर होगा जैसे लॉकडाउन खुलेगा, मेरा एक अंदाजा है लगभग 15 मई तक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, 30 मई तक अकेडमी खुल जाएगी। अगर 30 मई तक अकेडमी खुलती है तो क्या आने वाला 1.5 महीना हम घर पे फ्री बैठे रहे और इसी वेट में बैठे रहे कि नहीं नहीं हम तो बोर हो रहे हैं घर पे तो माहौल नहीं बन रहा, तो भाई माहौल तो हमने बनाना है ना, माहौल किसी और ने नहीं बनाना, माहौल हमने बनाना है और वो माहौल बन जाएगा जब आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे। तो आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ के पढ़ने का अपना अभ्यास बनाना है, लेट नाइट पढ़ना चाहते हो तो लेट नाइट पढ़ो लेकिन मोबाइल को दूर रख दो तो आप पढ़ पाओगे। तो मार्केट में जो भी पीडीएफ अवेलेबल है, स्टडी कीड़ा एक वेबसाइट है, इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन पड़े हैं, ओल्ड टेस्ट मैच वाले इसका अभ्यास कर सकते हैं। स्टडी कीड़ा पे आप कोई भी टॉपिक खोलो, आपने लिखा क्वांट, क्वांट आ गया, क्वांट के बाद आपने उसके ऊपर कोई टॉपिक लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें नंबर वाइज आप 20-20 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन डेली करने शुरू कर दो, आपका अभ्यास बना रहेगा। अगर पेपर नहीं अवेलेबल, सेट अवेलेबल नहीं है मान लो मार्केट में, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं परचेज करते जाओ, सेट लगाते जाओ,
तो यहाँ पर आप एक चीज समझो ना, एक तो आप घर बैठे हो, आपके एक्सपेंस सारे बचे हुए हैं, पीजी का खर्च बचा हुआ है, एकेडमी की फीस बची हुई है, हर चीज आपकी बची हुई है, तो वो आप लोग अपनी इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करने में आप इन्वेस्ट करो और इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप इस तरीके से मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन में वर्क कर सकते हो, पीडीएफ के जरिए आप पेपर लगा सकते हो, पीडीएफ में पेपर नहीं पढ़े तो स्टेटमेंट की क्वेश्चन कर सकते हो, डीआई की पीडीएफ पढ़ी है वो कर सकते हो, कुछ भी मैटर मिले आप उसको लेकर शुरू हो जाओ, आपको पता लगेगा आपका नॉलेज किस लेवल पर है, कुछ भी मैटर मिले, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो बात आती है रीजनिंग की, रीजनिंग को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन आपने कभी ली भी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज में दिक्कत आती है अरेंजमेंट के अंदर, अरेंजमेंट को लेकर आप प्रैक्टिस करते रहो। अरेंजमेंट कहां से मिलेगा, अरेंजमेंट की आपको मिल जाएगा, अभी बैंकर्स अड्डा की एक बुक थी और उस बुक की पीडीएफ मार्केट में आ चुकी है, पूरी बुक की पीडीएफ मार्केट में आई हुई है और उसके अंदर लगभग शायद 400-500 अरेंजमेंट है वो अवेलेबल है, वो आप उससे कर सकते हो। पीडीएफ कर ली, पेपर लगा लिया ऑनलाइन, आपके पास पुरानी बुक में कोई पेपर पड़ा है वो लगा लिया, किसी टाइम आपको मान लो हम लोगों ने बुकलेट परचेज करने के लिए बोला था वो बुकलेट आपके पास पड़ी है वो लगा लिया, इसके जरिए आप रीजनिंग के टच में रह सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है इंग्लिश की, इंग्लिश के अंदर आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उसके सेट लगा लो। इन दिनों में आपने नोटिस किया होगा रोहित सेन सर जो है वो यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, जो फ्रेश बच्चे हैं वो उन वीडियोस की मदद से अपना जो है सिलेबस थोड़ा सा कवर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जहां से जो पेपर अवेलेबल हो जाए उस पेपर को कर लो, कहीं पर कोई मान लो टुकड़ों में पेपर पड़ा है, किसी जगह आपको मिलता है कि भी मान लो सारे रीअरेंजमेंट पड़े हैं तो आप उन रीअरेंजमेंट को लेकर शुरू हो जाओ। देखो जब हम लोग न्यूज देखते हैं तो न्यूज में हम हर चैनल से जहां जो मैटर मिलता है वहां से वो देख लेते हैं, अखबार में कुछ आया तो उसको भी पढ़ लेते हैं, कहीं कोई और चीज पड़ी है तो उसको भी देख लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज भी देख लेते हैं, तो तब हम छांटते नहीं कि ये चीज को मैं देखूंगा और ये नहीं देखूंगा। वही बात है, अभी स्टडी के दौरान क्या है, जहां पर जो मैटर मिले उसको लेकर शुरू हो जाओ, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहो। हमने हमेशा ही अपनी एक क्वालिटी मानी है, जब लोग हथियार डाल देते हैं, जब लोग पढ़ना छोड़ देते हैं वहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब ये जो दिन है आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, कुछ बच्चे बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। अभी जो अपना 10 जनवरी का बैच था, 14 फरवरी का बैच था, उनको मैंने 15 दिन का होमवर्क दिया था, उनमें से बहुत से बच्चों ने मेरे को वापस मैसेज किया कि सर हमने वो आपका होमवर्क कर लिया, बताओ आगे क्या करना है, तो मैंने उनको आगे का भी बताया आगे आप क्या प्रयास कर सकते हो। उसी तरह से टेस्ट बैच वाले जो बच्चे हैं उनको सारा कुछ पता है कि कहां से क्या चीज आप कर सकते हो, वो चीज आपने करनी है। मुश्किल के इस दौर के अंदर आपने फ्री नहीं बैठना है। और अभी जैसे मान लो जैसे मैंने यूट्यूब की वीडियो डाली, सबसे ज्यादा मुझे जो सहयोग मिला वो टेस्ट बैच के बच्चों का मिला, सब्सक्रिप्शन अचानक से बढ़े, उसके बाद लाइक्स बढ़े, व्यू बढ़े, तो उससे क्या थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ा और मुझे भी लगा कि भी मैं स्टूडेंट्स के टच में रहूं और लगातार स्टूडेंट्स के संपर्क में रहूं। तो अभी मेरा अभी जैसे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर ऑनलाइन कुछ क्लास वगैरह शुरू कर लो, उसको लेकर हम प्रयास कर रहे हैं अभी लगातार। एक तो यूट्यूब पे आपको वीडियोज हमारी मिलती रहेगी, उसमें आपको कंटेंट मिलता रहेगा, लेकिन वो जो कंटेंट होगा वो थोड़ा फ्रेशर्स के हिसाब से होगा। तो बात आती है कि सर फिर हमारे हिसाब से कैसे होगा, तो अभी जैसे कुछ सजेशन हमें मिले, बच्चों ने बोला कि सर टेलीग्राम के ऊपर आप हमें शीट दे दो, उसको लेकर प्रयास चल रहा है, जूम ऐप के ऊपर सर लाइव क्लास दे दो, उसको लेकर भी कोशिश चल रही है, या हम कोई अपना अलग से ऐप बनवा सके, सॉफ्टवेयर बनवा सके, उसके जरिए आपको क्लास दी जा सके, जल्दी ही उसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन वो प्रयास कब तक कामयाब होंगे, हमारे लिए नए एक्सपीरियंस है, हमने हमेशा ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है, ऑनलाइन कभी नहीं टीच किया, तो ये हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है। तो इनको लेकर चर्चा चल रही है, जल्दी ही आप तक पहुंचेंगे, आप लोग भी संपर्क में रहना, टेस्ट बैच के सारे बच्चे संपर्क में रहेंगे और वो मदद कर सकते हैं नए बच्चों को। नए बच्चों को एक तो यूट्यूब पे हमारी जो वीडियो जाए, जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसको आप लोग व्हाट्सएप पे शेयर किया करो अगर आप ठीक समझते हो तो। उसके अलावा आप टच में रहो और नए आइडियाज जो है वो हमें दो कि सर इस तरीके से आप स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो, इस तरह से आप हम लोगों के संपर्क में रह सकते हो। जिस तरह से आप क्लास को बहुत मिस कर रहे हो, जिस तरह से आप एकेडमी को बहुत याद कर रहे हो, वैसी मैं आप लोगों को बहुत याद कर रहा हूं। और आप लोगों को जो भी मैं हमेशा एक मोटिवेशनल स्पीच दिया करता था या जो भी एक माहौल रहा करता था हमारी एकेडमी के अंदर, उस माहौल को मैं बहुत याद कर रहा हूं। जल्दी ही ईश्वर की कृपा रही हम लोग मिलेंगे, ऑनलाइन जरूर मिलेंगे।
तो ऑनलाइन के लिए आप सुझाव दीजिए किस तरीके से जुड़ा जा सकता है। जल्दी मैं एक व्हाट्सएप के जरिए आप लोगों को लिंक भेजूंगा टेस्ट मैच के बच्चों को, तो बच्चे संपर्क में रहें और उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी। जिन बच्चों के हम संपर्क में नहीं पहुंच पाए वो खुद हमसे संपर्क करें और जल्दी आप तक मैटर पहुंचाया जाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये जो लॉकडाउन का आपका समय, ये छुट्टियां बिल्कुल नहीं है, ये हमारा मुश्किल भरा दौर है जिसको हमने अपनी स्टडी के अंदर लगाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कल जो सोमवार का दिन शुरू हो रहा है और आने वाला अगला एक डेढ़ महीना है, हम घर पे कम से कम 6, 6.5, 7 घंटे जरूर पढ़ेंगे और इसी के जरिए हम लोगों को टक्कर दे सकते हैं, लोगों को हरा सकते हैं। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर ये मैटर मई जून तक सारा शॉर्ट आउट हो जाता है तो आपके आईबीपीएस का टाइम टेबल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। अगस्त सितंबर में आईबीपीएस पेपर लेने शुरू कर देगा और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस साल के जो ग्रेजुएट होंगे उनको तैयारी करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा, लगातार एग्जाम आ जाएंगे। और जो पुराने आप जो धुरंधर होंगे इस तैयारी के, वो अच्छा परफॉर्म करोगे और गारंटी से आप इस साल नौकरी ले जाओगे, लेकिन अगर जुड़े रहे तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपके साथ इसी तरह से वीडियोस लेके और लगातार ऑनलाइन हम संपर्क करते हैं। धन्यवाद।